हेलो दोस्तों, इन बॉली मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अजय देवगन की दीवानगी फिल्म रीमेक के बारे में। वीडियो पूरी देखेगा। बॉलीवुड और टीवी सीरियल से जुड़ी कोई भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक बज़मी सिंघम स्टार अजय देवगन को लेकर दीवानगी का रीमेक बनाने जा रहे हैं। अनीस ने वर्ष 2002 में अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर और अक्षय खन्ना को लेकर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दीवानगी बनाई थी। इस फिल्म में अजय देवगन ने नकारात्मक भूमिका निभाई थी। अनीस काफी समय से दीवानगी का रीमेक बनाने का मन बना रहे थे और आखिरकार उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। अनीस ने बताया, अजय लंबे समय से मुझे दीवानगी का रीमेक बनाने के लिए कह रहे थे क्योंकि फिल्म बहुत अलग थी। कई बार लोग मुझे उस फिल्म पर काम करने का सुझाव भी देते हैं। दीवानगी मेरी पहली सस्पेंस फिल्म थी और वो पिछले वर्षों में मेरे द्वारा बनाई गई फिल्मों में से बहुत ही अलग है, इसलिए मैं दीवानगी का रीमेक बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। दीवानगी के रीमेक में अजय देवगन फिर से निगेटिव किरदार निभाते नजर आएंगे। इस बार अजय का किरदार ज्यादा चालाक और खतरनाक होगा। इतने सालों के बाद वो किरदार अधिक मैच्योर और बहुत मजबूत होगा। मैं एक अच्छी कहानी पर काम कर रहा हूँ जो उस किरदार के लिए अनुकूल हो, और रीमेक में अजय देवगन ही वो निगेटिव भूमिका निभाएंगे। वेल दोस्तों, क्या आपको भी है इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।